नमस्कार, देखिए किसानों की विशेष खबर। बुधवार को कृषि उपज मंडी सिरोंज में गेहूं के भाव कम मिलने को लेकर किसान एवं व्यापारियों के बीच वाद विवाद हो गया, जिसके बाद व्यापारियों ने नीलामी रोक दी। नीलामी रोकने की खबर जैसे ही किसानों को लगी, किसानों ने मंडी गेट के बाहर सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर दिया, जिसकी वजह से दोनों तरफ भारी संख्या में वाहन खड़े हो गए एवं लोगों का आवागमन बंद हो गया। इसकी सूचना जैसे ही राजस्व प्रशासन को लगी, तत्काल नायब तहसीलदार शुभम बाथम मौके पर पहुंचे। किसानों के द्वारा किया गया चक्का जाम करीब एक घंटे तक चला। चक्का जाम के दौरान किसानों ने व्यापारियों एवं प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की और आरोप लगाया कि व्यापारी मनमर्जी से मंडी चला रहे हैं और प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। विषयपुर निवासी किसान माखन सिंह यादव का कहना था कि मैं एक दिन पूर्व गेहूं की उपज लेकर मंडी आया था। नीलामी के दौरान मेरे गेहूं को 2,700 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा गया था, जिसे मैंने कैंसिल कराकर बुधवार को दोबारा से नीलामी में ट्राली लगाई। लेकिन आज उसी गेहूं को व्यापारी द्वारा 2,300 रुपये क्विंटल की बोली लगाई, जिससे साफ प्रतीत हो रहा है कि व्यापारी मनमर्जी से मंडी में भाव निर्मित कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। यह बात जब मैंने व्यापारियों से कहा तो व्यापारी मुझसे वाद विवाद करने लगे। वाद विवाद के बाद व्यापारियों ने नीलामी भी रोक दी, जिसके बाद मजबूरन हम किसानों को सड़क पर बैठकर चक्का जाम करना पड़ा। जब किसानों ने नारेबाजी की तो नायब तहसीलदार शुभम बाथम द्वारा किसानों एवं व्यापारियों के बीच समाधान कराया। समाधान के बाद दोपहर 2 बजे के बाद नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ की गई। किसानों द्वारा किए गए चक्का जाम से आवागमन प्रभावित हुआ। लोग जरूरी काम से जाना चाह रहे थे, समय पर नहीं पहुँच सके, जिससे लोगों में भी काफी आक्रोश देखने को मिला। लगभग एक घंटे तक चले चक्का जाम की वजह से कई लोग तो इधर उधर से निकलकर चले गए, लेकिन बसों के माध्यम से यात्रा करने वाले लोग काफी परेशान हुए। इसके अलावा ट्रक एवं अन्य वाहन भी एक घंटे से अधिक समय तक खड़े रहे। नीलामी के बाद व्यापारियों ने एकत्रित होकर मंडी इंस्पेक्टर को थाना प्रभारी के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की है कि नीलामी के दौरान मालखान सिंह यादव व्यापारी साथी को गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई, जिसको लेकर व्यापारी संघ द्वारा मांग की गई है कि 3 दिन के अंदर उक्त व्यक्ति के खिलाफ अगर कार्यवाही नहीं होती है तो व्यापारी अनिश्चितकालीन समय के लिए मंडी नीलामी में भाग नहीं लेंगे। इसके अलावा नीलामी के दौरान पुलिस व्यवस्था मंडी परिसर में उपलब्ध कराई जाए, ताकि व्यापारी नीलामी करने से पहले अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। इस दौरान बड़ी संख्या में व्यापारी संघ के लोग मौजूद रहे। समीर भार्गव अध्यक्ष व्यापारी संघ का कहना है कि किसान द्वारा अभद्र व्यवहार करने के बाद व्यापारी नीलामी नहीं करना चाहते थे, लेकिन SDM महोदय के आग्रह पर हमने नीलामी प्रारंभ की। साथ ही हमने मांग की है कि हमें नीलामी के दौरान पुलिस की व्यवस्था कराई जाए। प्रवीण प्रजापति SDM सिरोंज का कहना है कि व्यापारियों ने नीलामी बंद कर दी थी, जिसके बाद हमने व्यापारी एवं किसानों को समझाया और नीलामी प्रारंभ करवाई है। व्यापारियों द्वारा आवेदन दिया गया है कि जिसकी जांच कराई जा रही है, जांच के उपरांत आगे की कार्यवाही की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।